जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स की न्यूली इंडक्टेड S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट फायर करने की योजना। रोल्स रॉयस भारत के साथ मिलकर भारत में ही एक बिल्कुल ही नया कॉम्बैट जेट इंजन विकसित करने के लिए तैयार। चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश पर जताया अपना संप्रभु अधिकार। सीरीज प्रोडक्शन के पहले LCA ट्रेनर ने कंडक्ट करी अपनी पहली उड़ान। और अफ्रीकन नेशंस की दिलचस्पी मेड इन इंडिया टैबोर राइफल्स पर। ANI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स जल्द ही अपने न्यूली इंडक्टेड S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स के पहले फायरिंग ट्रायल्स को कंडक्ट करेगी। हालांकि ऑफिशियल्स के मुताबिक इन सिस्टम्स के रशिया में ट्रायल्स लिए गए, लेकिन भारत में इनके ट्रायल्स लिए जाने बाकी हैं। और चूंकि एयरफोर्स की सर्विस में S-400 की 2 स्क्वाड्रंस ऑपरेशनलाइज हो चुकी हैं और तीसरी को भी ऑपरेशनल करने की प्रोसेस चल रही है, तो ऐसे में S-400 की स्मॉल और मीडियम रेंज की मिसाइल्स को फास्ट मूविंग एरियल टारगेट के खिलाफ टेस्ट फायर करने की योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक S-400 की पहली स्क्वाड्रन पंजाब में तैनात है, लेकिन इसकी तैनाती कुछ इस तरह से की गई है कि ये पाकिस्तान के साथ लगी सीमा के अलावा नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्टर्स को भी सुरक्षा प्रदान करेगा, और जबकि दूसरा चीन के साथ लगी सीमा पर तैनात है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अपने साथ 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक अलग अलग रेंज की मिसाइल्स को कैरी करता है। इसके अलावा एक अपडेट है चीन की चिंदी हरकत को लेकर। जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 लोकेशंस के नाम बदले, और चीन की इस हरकत पर फिर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, जिसमें उन्होंने चीन के इस प्रयास को खारिज किया था और साथ में ये भी कहा था कि इस तरह से नाम बदलने से जो वास्तविकता है वो नहीं बदलेगी। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन तो चीन है, और दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी सीधी नहीं हो सकती। आप जिन दो चीज़ों के बारे में सोच रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक तीसरी चीज भी है, वो है चीन। तो अब चीन की तरफ से जो एक नई हरकत की गई है, तो वो ये है कि भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद अब चीन के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है, जिस पर उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके अरुणाचल प्रदेश को चीन के क्षेत्र का हिस्सा बताया है, और साथ में ये भी कहा है कि इसका नाम बदलना चीन के संप्रभु अधिकारों के अंदर आता है। और इन सब में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जब चाइनीज अथॉरिटीज ने अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदले थे, तो उसके बाद चाइनीज विदेश मंत्रालय की तरफ से एक और स्टेटमेंट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि चीन, रशिया और भारत, ये तीनों ही मेजर इमर्जिंग कंट्रीज हैं, और जो चीन है वो भारत और रशिया के साथ कम्युनिकेशन को और मजबूत करने के लिए तैयार है। और चीन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी 3 अप्रैल को, यानी कि 2 अप्रैल को पहले उसने अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदले, फिर उसके अगले दिन भारत और रशिया के साथ मिलकर काम करने वाली स्टेटमेंट जारी करी, फिर उसके अगले दिन यानी कि 4 अप्रैल को भारत ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के एक्शन को खारिज किया, और फिर भारत की प्रतिक्रिया के बाद अब चीन ने ये प्रतिक्रिया दी कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। और इसी बीच चीन ने एक और हरकत कर दी है, और वो ये है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने बीजिंग में स्थित 2 भारतीय पत्रकारों के वीजा को फ्रीज करने का फैसला लिया है, और जो कि इस बात को दर्शाता है कि अन्य भारतीय पत्रकारों के खिलाफ भी काउंटर मेजर्स लिए जा सकते हैं, जब तक कि न्यू दिल्ली भारत में चीनी पत्रकारों को पारस्परिक वीजा और कार्यकाल की शर्तें प्रदान नहीं करता है। आपको बता दें कि चीन ने भारत से डिमांड करी है कि भारत को कवर करने के लिए उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, तो उनके लिए भारत और वीजा जारी करें, और साथ में ये भी कहा है कि भारत में चीनी पत्रकारों के जो मौजूदा वीजा कार्यकाल है, जो कि हर 3 महीने में रिन्यू कराना होता है, तो उसके 3 महीने वाले टाइम को बढ़ाकर 12 महीने तक किया जाए, क्योंकि जो चीन है वो अपने वहाँ भारतीय पत्रकारों को साल भर का वीजा देता है। हालांकि अभी जैसे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस मामले पर फिलहाल अभी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से तो कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से इस बात को क्लियर किया गया है कि भारत ने रिसेंट पास्ट में उनके वहां रह रहे चीनी पत्रकारों के खिलाफ ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जैसा दावा चीन कर रहा है। बल्कि ये कहा गया कि अधिकतर जो चीनी पत्रकार थे जो दिल्ली में रह रहे थे, तो कोविड पैंडेमिक के समय उन्होंने खुद ही भारत को छोड़ा था और फिर वापस नहीं आए, और अभी भारत में जो चीनी पत्रकार रह रहे हैं तो उनके पास वैलिड इंडियन वीजा है, और उनको भारत से रिपोर्ट करने के लिए कोई मना नहीं किया गया। जबकि चीनी पत्रकारों को तो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग और वाराणसी में हुई ICO मीटिंग को भी कवर करने के लिए अनुमति थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में रोल्स रॉयस के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए रोल्स रॉयस भारत का पार्टनर बनना चाहती है, और इस पार्टनरशिप के तहत जो जेट इंजन विकसित किया जाएगा तो वो एक यूनिक को क्रिएशन मॉडल के साथ विकसित होगा, जिसमें जेट इंजन टेक्नोलॉजी के लिए IP राइट्स क्रिएट किए जाएंगे, और ये IP राइट्स भारत के पास होंगे। और ये भी कहा गया है कि इस जेट इंजन के लिए नो हाउ और नो वाई, ये दोनों ही चीज़ें भारत में ही की जाएंगी। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो रोल्स रॉयस के ऑफिशियल एक तरह से ये कह रहे हैं कि वे भारत के साथ एक बिल्कुल ही नया इंजन विकसित करेंगे। उनका ये भी कहना है कि हमने लास्ट 50+ ईयर से भारत को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोसेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है, जो कि कुछ एरोस्पेस कैपेबिलिटीज और जॉइंट वेंचर्स को अलाउ करती है, तो इसलिए हमने पहले के 2 स्टेप्स कर लिए हैं, और अब अगला स्टेप है भारत के साथ नो हाउ और नो वाई को शेयर करना, ताकि टेक्नोलॉजी भारत में भारत के लिए क्रिएट की जा सके। यानी कि रोल्स रॉयस भारत को ना टेक्नोलॉजी सेल करना चाहती है, ना ट्रांसफर करना चाहती है, बल्कि वो उसे भारत में बनाना चाहती है।
और जो टेक्नोलॉजी भारत में बनेगी तो वो दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी होगी। और इसके अलावा भविष्य की परियोजनाओं पर बात करते हुए कंपनी ऑफिशियल का यह भी कहना है कि उन्होंने इंडियन नेवी की कुछ फ्यूचर शिप्स कैपेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए GRSE के साथ ऑलरेडी MOU साइन किया हुआ है और वह भारत के साथ केवल एरोस्पेस ही नहीं बल्कि मरीन टेक्नोलॉजीज को भी संयुक्त रूप से मिलकर क्रिएट करने के लिए तैयार है। लद्दाख से एक दुखद खबर सामने आई है जहां LAC के साथ एक पेट्रोल को लीड करते हुए एक गहरी खाई में गिर जाने की वजह से हमने अपने एक ITBP ऑफिसर को खो दिया है और हमारे इन ऑफिसर का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट टिकम सिंह नेगी, जिन्होंने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और ये जो घटना है ये 2 अप्रैल को हुई है। बाकी एक अपडेट यह है कि शनिवार को तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी Sukhoi Su-30 MKI फाइटर से उड़ान भरेंगे। और बाकी आपको बता दें कि ये 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक असम की ऑफिशियल विजिट पर हैं। रामनवमी पर भारत में हुई हिंसा पर OIC की तरफ से एक कमेंट किया गया था और जो पूरी तरह से एक फालतू का कमेंट था, जिसमें उनका यह कहना था कि रामनवमी के जुलूसों के दौरान भारत के कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाली हिंसा और बर्बरता के कृत्यों पर वे गहरी चिंता व्यक्त करते हैं, जो कि पूरी तरह से OIC के कम्युनल माइंडसेट को दर्शाता है। तो मंगलवार को भारत की तरफ से ऑफिशियली OIC के इस कमेंट को खारिज किया गया और साथ में ये भी कहा गया कि इस तरह के कमेंट OIC के एंटी इंडिया एजेंडा को रिफ्लेक्ट करते हैं। और भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना था कि हम भारत के संबंध में OIC सेक्रेटरीट द्वारा जारी किए गए बयान की कड़ी निंदा करते हैं। ये केवल उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है और OIC केवल भारत विरोधी ताकतों द्वारा लगातार हेर फेर किए जाने से अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित खालिस्तानी अब इंडियन आर्मी वेटरन्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बारे में फेक न्यूज़ पोस्ट की जा रही है। और जिन अकाउंट्स के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है तो उनमें से अधिकतर अकाउंट कैनेडा या फिर पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि इंडियन आर्मी वेटरन्स जैसे कि मेजर गौरव आर्या, कर्नल रोहित देव, तो इस तरह से और भी वेटरन्स और ऑफिसर्स के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने का काम कर रहे हैं और ऐसा करके ये केवल और केवल इंडियन आर्मी को डिफेम करने की कोशिश में है। तो इसलिए हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर इंडियन आर्मी वेटरन्स या इंडियन आर्मी के खिलाफ इस तरह की कोई भी फेक न्यूज़ आपको दिखती है तो कृपया करके उस अकाउंट को रिपोर्ट करें और हमें इन फेक न्यूज़ के कुछ स्क्रीनशॉट्स स्क्रीन पर भी शेयर करें, जिन्हें फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जर्वर और एनालिस्ट मिस्टर अंशु सक्सेना द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था। और बाकी हम जैसे कि पहले के एपिसोड्स में आपको कई बार ये बता चुके हैं कि किस तरह से जो एंटी इंडिया मशीनरी है वो भारत के खिलाफ काम करती है, खास करके इन सोशल मीडिया के थ्रू। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप हमारी DGISPR वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी को बस्ट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अफ्रीकन नेशंस की मिलिट्रीज ने भारत में PLR सिस्टम द्वारा लाइसेंस के तहत मैन्युफैक्चर की गई इजरायली ओरिजिन के टेवॉर X95 बुलपप असॉल्ट राइफल में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो भारत है वो अफ्रीकन नेशंस में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर काफ़ी फोकस कर रहा है और अभी हाल ही में अफ्रीकन नेशंस के साथ कॉन्क्लेव में भारत ने अपने कई सारे स्वदेशी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स अफ्रीकन कंट्रीज़ को डिस्प्ले किए थे। बाकी टेवॉर राइफल्स के बारे में तो आप में से हर कोई अच्छी तरह से जानता होगा। ये वही राइफल्स हैं जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस के लिए एक स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल की तरह इशू की जाती है। और भारत की स्पेशल फोर्सेस टेवॉर राइफल्स को इस्तेमाल क्यों करती है और ये एक रिलायबल फायरआर्म कैसे है, तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे आपको काफ़ी कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज बुधवार को भारत और जापान अपने बीच के डिफेंस कोऑपरेशन को और भी डाइवर्सिफाई करने के लिए सहमत हुए हैं और जिसमें वे नए और उभरते हुए डोमेन्स जैसे कि स्पेस डोमेन, साइबर डोमेन, तो यहाँ पर भी अपने कोऑपरेशन को और बढ़ाएंगे। और ये जो फैसला है ये भारत जापान डिफेंस पॉलिसी डायलॉग के 7th एडिशन में लिया गया है और इस दौरान भारत ने जापानीज डिफेंस इंडस्ट्रीज को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में इन्वेस्ट करने के लिए भी इनवाइट किया है। इसके अलावा आज LCA तेजस प्रोग्राम ने एक और मेजर माइलस्टोन को हासिल किया है और माइलस्टोन यह है कि आज 5 अप्रैल को HAL एयरपोर्ट से सीरीज प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के पहले LCA ट्रेनर LT5201 ने अपनी पहली उड़ान को कंडक्ट किया है और इसने करीब 35 मिनट तक सफलतापूर्वक अपनी सॉर्टी को कंडक्ट किया था। और बाकी जहां तक है जिस LCA ट्रेनर की आज ये पहली उड़ान कंडक्ट की गई है तो ये FOC कॉन्फ़िगरेशन वाला तेजस MK1A प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक दुखद खबर भी देखने को मिली है और वो है वेस्ट बंगाल से, जहां आज पानागढ़ में एक पैरा जंप एक्सरसाइज के दौरान इंडियन नेवी के मार्को सी कोविंद ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। ये देश हमारे इस वीर के सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज का वो दिन है जब ऑपरेशन रंदोरी बहक के तहत 4 पैरा SF के सूबेदार संजीव कुमार, हवलदार देवेंद्र कुमार, पैरा ट्रूपर अमित कुमार, पैरा ट्रूपर बालकृष्ण और पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था।
और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ऑपरेशन रंदोरी बैग के बारे में जानकारी होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिन्हें जानकारी नहीं है तो उन्हें हमारी ये ऑपरेशन रंदोरी बैग वाली वीडियो देखनी चाहिए। बाकी आज के दिन 2007 में सी हैरियर एयरक्राफ्ट क्रैश में लेफ्टिनेंट कमांडर सौरभ तिवारी ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि सी हैरियर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के सर्विस में कब इंडक्ट किया गया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।